होगा अरोस? फिर से भाग जाएगा क्या शहरी? शादी कर पाएगा क्या फिरोज? फिर से किरण की मार खाएगा क्या सुल्तान भाई का पैसा? इसी तरह बहता जाएगा क्या मुजाहिद अब्बा से ऐसी जाया हो जाएगा? आई जी क्या इसी तरह घर आएगा क्या? रुकैया का दिल मुझ पे आएगा? अबे चल, हशमत एंड सन रिटर्न्स की कोई भी खबर चाहिए तो शुक्ल टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबाएं। बोरिंग हो गए, पिछले 5 मिनट से कोई ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं आ रही। आज नहीं छोडूंगा। बेटा, तो तुम जेल से कब छूटे? बेटा, तुमने अच्छा ये बड़ी में जेल से छूट गया। रुको, और ये बताओ तुमने उस दिन क्या करा था? अबे क्या किया था बेटा, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा बेटा। मैंने क्या किया था? पत्थर क्यों फेंका था उस दिन? अरे बेटा, मैंने खाली सड़क पे पत्थर फेंका था, अचानक सामने से मोबाइल आके पत्थर उसकी विंडस्क्रीन पे लग गया बेटा। अच्छा, रुको तो वो बताओ दूसरा पत्थर मेरी जेब में कैसे आया था? अब मैं दूसरा पत्थर फेंक रहा था, आज तो जब तुम्हारी जेब खुली हुई थी, पत्थर उड़ के तुम्हारी जेब में गिर गया। अरे बेटा, आज जब कराची में तेजी से मोबाइल खरीद आती है तो क्या करते? क्या करते बेटा? भागते बेटा, भागते। तुम भागे ही नहीं। और ना मैं समझा पिस्टल मेरे पास से बरामद होगी तो ऐसा ना मुझे पकड़ ले, मैंने तुम्हारी जेब में रख दिया। लेकिन तुम शक्ल से बेटा मशकूक लग रहे थे, टू टाइम बेटा बैठ जाते। तो उन्होंने क्या किया, तुम्हें मनहूस कैदी समझ के गिरफ्तार करके लग गया बेटा। लेकिन मेरा कसूर नहीं बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जाते जाग जाग के गुजारी है। 3-3, 4-4 बजे उठ के देखता था कहीं शहरी तो नहीं आ गया। मुझे पता ही क्यों गुजारी? क्यों? ताकि मैं रेट ना पड़वा दूं घर पे। अरे नहीं बेटा, गलत मत सोच अपने बाप के बारे में बेटा। मैं तेरे बगैर एक निवाला अलग से नहीं उतरता था, हर निवाले के साथ मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ती थी बेटा। जेल में और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक चढ़ाई जा रही है। बेटा मैं तुम्हें भूला नहीं, हमेशा 2 कोल्ड ड्रिंक मंगाता था, एक तुम्हारे नाम से एक अपने नाम से। मेरा भाई, तू कब आया? हमने तुझे छुड़ाने के लिए कितनी कोशिश की थी। तू झूठी अंदर दी ना, अपने पास रख। अगर मैं जेल में इस टाइम होता तो बेटा सच बात है, हम आए थे थाने, लेकिन तब तक तुम्हें जेल कस्टडी हो चुकी थी। लेकिन बेटा छोड़ो इन सब बातों को, मैंने तुम्हारे एजाज में पार्टी रखी है, तकरीब होगी, फुल हंगामा करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। क्या पार्टी और क्या क्या करेंगे? मुझे ना करा दे। हाँ हाँ। अबे चल, दिमाग खराब हो गया। मैं बहुत अरसे से तैयारी कर रहा था कि जैसे मेरा बेटा आएगा इसको ऐसा इस्तकबाल देखूंगा आके पूरा मोहल्ला अशर्श कर उठेगा। मान गया आखिर में, बाप मेरी घर में इतना कसम कब करता है। हाँ चाय छुपी वो कहती दोस्त है ना मेरा जेल में, उसने दीदी कहा था अपना पति ने अंतरिया निकाल दियो मार के। शहरी जेल से छूट कर आ रहा है, कोई मैदान जंग फतह करके नहीं आ रहा। और वैसे भी इतना ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? मैंने और पापा ने इतनी मुश्किलों से रिश्तेदारों से छुपाया था कि वो इस्लामाबाद गया हुआ है। हाँ तो अभी हम यही कहेंगे कि वो इस्लामाबाद से आया। हाँ दावत कर रहे हैं, दावत में लोग तस्वीरें खींचेंगे और उसके बाद फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टेटस अपलोड कर देंगे। अरे तो क्या बात करी बेगम, तस्वीरों से क्या पता चलेगा कि वो जेल से छूट कर आया? खुदा के लिए बेगम समझने की कोशिश करें, वो 15 दिन से लॉकअप में बंद था। 15 दिन बहुत ज्यादा होते हैं। हशमत अंकल की वजह से ही गया था ना वो जेल, और अब उसका दिल खुश करने के लिए वो दावत कर रहे हैं। अरे यार बेगम, तो खुदा के लिए अपने दिल से ना ये नेगेटिव सोच निकाल दे, कुछ तो पॉजिटिव सोचा करें, फिर देखें आपकी जिंदगी में बाहर ही बाहर होंगी। नेगेटिव ना सोचा करें, हशमत अंकल की वजह से कोई पॉजिटिव सोच सकता है? आए रोज के तमाशे होते रहते हैं, आज दावत करें कल डांस पार्टी करेंगे। डांस पार्टी? फिरोज, जी मैंने तुमसे कहा था मेरे कपड़े इस्त्री करो। किए तुमने? नहीं। आज तुमने ऑफिस से छुट्टी की है तो पूरा दिन क्या आराम करके गुजारोगे? जाओ जाके मेरे कपड़े इस्त्री करो। क्या कर रहे हो ये? जाओ जाके कपड़े इस्त्री करो। एक्सरसाइज पता नहीं कहाँ रह गया भाई मुजाहिद। अरे भाई कितनी देर लगती है इतना सामान लाने में? ये बताओ किसी को पैसे तो नहीं दिए? अरे पैसे तुमने दिए कहाँ थे? अपनी जेब से लगा के लेके आ रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सबको बोल देना महीने की पहली को पैसे मिल जाएंगे। दे दोगे? अरे पागल हो गए, वादा कर रहे हैं, हमने कौन सा निभाना है? अशमत भाई ये बैनर जो है ना मेरे मुँह के ऊपर उसने बना के दिया 1200 रुपए में, वो भी उधार। अरे दफा करो इन सब बातों को, जाके चले भी और पेटिस लेकर आओ। अच्छी वाली जगह से लाता हूँ, सब खाएंगे खुश हो जाएंगे। पागल हो गए हो क्या? गली के कोने में बच्चा ठिया लगा के बैठता, उसके पास 5 रुपए वाले 1 बाई पेटिस मिलते तुम्हारी हथेली पे 4 आ जाएंगे। कराची यूनिवर्सिटी की प्रेम गली वाले कासिम के समोसे भी इस पेटिस के आगे चने बेचते। अच्छा वाह भाई, आज सब काम उधार में करवा रहे हो तो ये पेटिस भी घर में बना लेते ना भाई। मशवरा नहीं मांगा, जो काम बोला वो करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या हो गया, मारा क्यों यार? इसलिए मारा है ताकि पैसों में डंडी मत मारना, और तुम्हारे दिल में मेरा खौफ बना रहा है।
अरे अपने ही पैसों में मैं डंडी क्यों मारूंगा? सॉरी बेटा मैं भूल गया था, बाप की मार समझ के सहलो बेटा। बाप एक आधा बाप बेटे का भी खा ले, मारू। अरे चल। अरे बेटा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हम बहुत ज्यादा ही नखरे हो गए, बताओ जरा। बिस्मा तुम दोनों को वो 2,00,000 रुपए दे देने चाहिए, वो तो भैरोज ने अपनी जॉब के लिए लिए थे। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ, हाँ ठीक है लिए थे, लेकिन बाजी भैरोज के साथ भी तो फ्रॉड हो गया ना, और वैसे भी मैंने मना थोड़ी किया कि हम पैसे वापस नहीं करेंगे। हम देंगे लेकिन थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, हमें 2,00,000 रुपए इतनी बड़ी रकम है। अरे जब एक बात हस्सू ने तय कर दी के 250 रुपए महीना सुल्तान को मिल जाएगा, फिर किस बात का तमाशा मचाया भाई तुम लोगों ने? 250 ये 250 रुपए नहीं मिले अभी तक। शेरी भाई आ गए, शेरी भाई आ गए। तो क्या करें, नाचे? उसमें आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अरे उसने महावरतन जुमला कहा और तूने सबके कान के पर्दे फाड़ दिए। अरे शेरी भाई जेल से रिहा होकर आ रहे हैं, उस जंगली को तो उसी पिंजरे में रहना चाहिए। और नहीं तो क्या, और वैसे भी भैरोज तुम्हें क्यों इतनी खुशी हो रही है शेरी के आने की? ए बिस्मा क्यों भाइयों में फूट डलवा रही है, वैसी बड़े काम का बच्चा है शेरी मेरा। और हाँ शेरी भाई की वापसी पर पापा ने वेलकम बैक पार्टी रखी है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ओफो भैरोज वेलकम बैक पार्टी कुछ नहीं होता है, वेलकम पार्टी होता है। हाँ बेबी वही वही। शेरी खानदान की नाक कटवा के आ रहा है, नाक ऊंची करके नहीं आ रहा। अरे हस्सू की नाक वैसी बहुत ऊंची है, उन्हें मजीद नाक ऊंची कराने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ यहाँ पार्टी का कोई तुक ही नहीं बन रहा, मेरा तो सर शर्म से झुक गया है, महल्ले में क्या इज्जत रह गई हमारी। और नहीं तो क्या अम्मा, हशमत अंकल को भी तो अब सोचना चाहिए ना, इस उम्र में भी उन्हें तफरियां सूझ रही हैं। अरे हशू की रंगीनियों से बीबी तुम्हारा रंग क्यों सफेद पड़ गया, कोई जाए ना जाए मैं तो जा रही हूँ भाई। हाँ भाई जाओ जाओ। अरे चलो ना बीबी, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ रोल और समोसे भी होंगे, बहुत मजा आएगा। आप भी चले सुल्तान भाई, आप भी चले उस्मा भाजी, आप भी बीबी, चलो चलो। ओफो बहरोज चले बेगम, हमें भी चलना चाहिए। सुल्तान मैं तो सोच भी नहीं सकती थी आप समोसों में नियत खराब करेंगे। अरे बेगम समोसों के लिए कौन कह रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए, देखना चाहिए कि वो हो क्या रहा है भाई। अच्छा बाबा बस चल रही हूँ सुल्तान, चले चले। जी बेगम। जेलों का ताला टूट गया, चेरी हमारा चूक गया। जेलों का ताला टूट गया, चेरी हमारा चूक गया। अरे ये लाइटें क्यों बंद करी हुई है भाई? अरे आप आए रंग बिरंगी जलबुच्ची की लाइट शेरी को बड़ी अच्छी लग रही है। अरे ये क्यों इतना अंधेरा किया यार पापा, लाइट जला यार। अरे भाई ये लोग नहीं मानेंगे, देख रहे हो फिर तुम ये बैनर, तुम्हारे बाप ने बदनामी का पूरा इंतजाम किया हुआ है। अरे किरण जेले बनी ही मर्दों के लिए, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ये खानदान बर्बाद हो रहा है। खातून हज़रात जैसा कि आप जानते हैं आज की तकरीब शहरोज और शहरी बेटा के एहसास में दी गई है, जो 15 दिन और 15 रातें जेल में गुजार के आए। शहरी बेटा के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत नाम रोशन करके आए ना जो हम ये तालियां बजाएं। तो अब मैं तकलीफ दूंगा, क्या चक मारोगे किसी को? बस मत करो। अब मैं जहमत दूंगा आप पुलिस की छतरौल सहने वाले, जेल की सूखी दाल रोटी खाने वाले बहादुर मर्द मुजाहिद शहरी को कि वो यहाँ तशरीफ लाए, ताकि हम उनके गले में फूलों का हार डालकर फूलों की किस्मत में इजाफा कर सके। मुंह के फायर, मुंह के दर्द। हाथ रुकने नहीं चाहिए भले टूट जाए। अहमद नदीम कासमी, हबीब जालिब, सादत हसन मंटो और अहमद फराज की तरह शहरी ने जेल जाकर कैदोबंद की सहूबतें बर्दाश्त की और कौम की खिदमत की। आप जिनके नाम ले रहे हैं ना वो तरक्की पसंद लोग थे, आवाम के लिए आवाज उठाई उन्होंने और शहरी ने पुलिस पे पत्थर उठाए। तो भगत सिंह ने भी पुलिस पे फायरिंग की थी। हाँ तो भगत सिंह ने आजादी की जद्दोजहद के दौरान फायरिंग की थी, शहरी कौन सी आजादी मांग रहे हैं? अरे पापा आपको शेरी भाई को मिसाइल देने के लिए फहीम काना, फैसल लड्डू, मुर्शिद मामा और फहीम शेरी के नाम लेने चाहिए। अश्वत अंकल ये कौन लोग हैं? तेरी पुप्पी के लड़के, पूछ लियो जाके। खास मत करो आज सुल्तान बेटा, मैं आपको बाद में सब तफसील से समझा दूंगा। अरे हमें कोई तफसीलात नहीं जाननी, आपका हो गया हो तो हम जाएं। नहीं नहीं अभी क्या, अभी तो शेरी बेटा की ताजपोशी होनी है, तो अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे मोहतरम मेहमान खुसूसी सुल्तान से को स्टेज पे तशरीफ लाए और शेरी बेटा की ताजपोशी करें। क्या मैं ताजपोशी करूंगा? मैं मेहमान खुसूसी हूं। जी जी आप ही तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। बस बहुत हो गया ड्रामा, मैं मजीद और नहीं बर्दाश्त कर सकती। चलो फिर हद होती है छिछोर पन की भी। हाँ मैं भी जा रही हूँ। अरे बेबी तुम तो रुको ना, देखो पापा ने जलेबियाँ, पेटीज, चिप्स और ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक मंगाई है, ठीक है चलेंगे ना? वैसे तो मुझे ये सब खाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम मेरे कमरे में ले आना, मैं जा रही हूँ। हाँ मैयत के आलू के चावल आएंगे वो भिजवा दे। अरे बकवास बंद करो, आप अपनी ताजपोशी करें। सुल्तान बेटा ताजपोशी कीजिए, बहुत सारी तालियां। ता 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 बस कर दो। अरे ये
जौहर के पहाड़ों पे मारखोर क्या कर रहा है? अशमत भाई सब कब्जे का चक्कर है। अरे ये मुझाई पहाड़ पे कैसे आ गया? अरे भाई पहाड़ पे नहीं हूँ मैं, आपके घर में हूँ यार। यहाँ कहाँ से आ गया भाई? अशमत भाई मेरी उल्टी आग पड़क रही है। अरे तो डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास क्यों आए हो? अरे डॉक्टर की नहीं, इसका मतलब है कोई ना कोई हम पे बुराई आने वाली है। अशमत भाई पोट पड़क रही है। पागल हो गए हो तुम, उल्टी सीधी जगहों से आते हो, चूना चला गया होगा, जाओ जाके पानी का छींटा मारो। वो आ रहा है अशमत भाई, वो आ रहा है। तुम पागल हो चुके हो बिल्कुल पूरी तरह, कभी कहते हो आग पड़क रही है, कभी कहते हो आ रहा है, कौन आ रहा है? अरे आई जी बहाल हो गया है, वो आ रहा है बदला लेने अपना। वो कैसे बहाल हो सकता है? मैंने तो उसे अपने हाथों से सस्पेंड करवाया था। वाह भाई वाह, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने अपने हाथों से कत्ल किया था उसको। कैसी गुजर रही है? पहले तुम ये बताओ किसी शरीफ आदमी के घर में सीधा ऊपर आ जाओगे, वो भी छत पर? पहली बात तो ये कि तू शरीफ नहीं है, दूसरी बात है कि दरवाजा खुला हुआ था। दरवाजा कैसे खुला हुआ था? मुजाहिद ने मेरे लिए दीवार फलांग के दरवाजा खोला है। अशमत मुझे तेरी सारी ड्रामेबाजियां पता है, मेरे को नौकरी से निकलवाने में मुअत्तल करवाने में तेरा ही हाथ है। शेरी ने तस्वीरें बनाई और मुजाहिद बुरके में था, लेकिन मैं साबित नहीं कर सका। हाँ तुम कभी साबित कर भी नहीं पाओगे। साबित करूंगा, आईबी एड्रेस निकलवाऊंगा। आईबी तो मुजाहिद की थी, जाएगा तो मुजाहिद पकड़ा जाएगा। अशमत भाई क्या कर रहे हो यार? अरे मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा अशमत, सबूतों के साथ तुझ तक पहुंचूंगा, लेकिन तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। जब सबूत जमा हो जाए तब आ जाना, तब की तब देखी जाएगी। जाओ जाके थाने में बैठो, आवारा कर दिया कर रहे। और यहाँ किस लिए आए थे? तुझे जलाने के लिए, दिखाने के लिए कि मैं बहाल हो गया हूँ। मुझे कोई जलसी फील नहीं हो रही, और जिस तरह के तुम्हारे करतूत है इंशाल्लाह लंबा सस्पेंड हो गया और अब की बार परमानेंट जाओगे। निकलो यहाँ से और कुंडी लगाते हुए जाना। आ गया यहाँ पर, ये तो बाहर से कुंडी लगा देगा अशमत भाई, इसको कहाँ बोला? जाओ जाओ चली जाओ, इसके पीछे जाओ। अल्लाह एक तो मुझे इतनी भूख लग गई, ऊपर से घर में भी कुछ नहीं बना हुआ, अब मैं क्या खाऊं? बिस्मा बिस्मा देवी देवी। क्या है बेरोस, एक तो तुम सब कुछ अकेले अकेले खाकर आ गए हो, ऊपर से मेरे लिए कुछ लाए भी नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है बेबी, मैं तुम्हें भूल जाऊं? ये लो। ये क्या चीज है? जलेबी। जलेबी, अरे वाह, तुम्हें पता है मुझे इतनी भूख लग रही थी, थैंक यू फेरोज। वाह वाह, सारी रिफ्रेशमेंट यहाँ छप्पड़ करके खाई जा रही है, वही मैं सोचूं, अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है और तुम लोग यहाँ पे ये पेटीज और जलेबी खा रहे हो। वाह वाह। अरे शेरी भाई मेरी बेबी को बहुत भूख लग रही है। अबे वाबे, तुम लोगों ने तो अंधी मचा के रखी हुई है, अब तक पार्टी यहाँ चल रही है, मेहनत सारी मैंने की, धूप में मैं कुंवर हुआ, लाया मैं, मुझे कुछ नहीं मिला। ओ भाई ये पेटीज ना मैं खाऊंगा, क्योंकि पार्टी मेरे एजाज में रखी गई है, समझ गया? ओ एजाज में रखी है, कोई तमगा इम्तियाज में नहीं रखी हुई। तू आया, तेरी सोलो में तस्वीर लगा दी, गुब्बारे फाड़ दिए, तेरे लिए इतनी तकलीफ रख दी, तेरे को इतनी इज्जत नहीं आ रही। अबे इधर आ, तू इसको पेटीज कैसे दूंगा? तिजोरी बना के ये ले, चश्मा लेके जा रहा हूँ, पेटीज खाएगा तो बाहर आ जाए। बेबी के चिप्स ले गया, अल्लाह अल्लाह। चाचा ये बंदे क्या, इनका रिश्ता कराना है? अरे नहीं नहीं, बताया तो इनसे अलर्ट रहना है। अच्छा अच्छा, ये है वो मुर्गे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बस थैंक यू, इन तस्वीरों का बस थैंक यू। अच्छा अच्छा भाई, नाराज मत हो, ये छालिया ले लो। एक छालिया बस? अरे एक छालिया नहीं है भाई, 20-25 दाने इसके अंदर, चलो निकलो, दिमाग नहीं खराब करो। अच्छा मेरा फोन तो चाचा। अच्छा अच्छा बिल्कुल, ऐसी किसी ने सेम मेरी, मैं समझा मेरा फोन है, ये आईफोन है, आपका ओप्पो है सस्ता। हेलो यहाँ से छोरे कहीं के आईफोन के भरम करा रहे हैं। कहाँ बुला लिया बताओ जरा। जी भाई आपने मुझे फोन करके बुलाया था। हाँ आ गए तुम? नहीं नहीं, मेरी रूह पहुंची है, मैं तो अभी रास्ते में हूँ। क्या अबे पागल हो गए क्या? आ गया हूँ मैं। अशमत नाम है तुम्हारा? हाँ मेरा नाम अशमत है, आपका नाम क्या है? जौहर का नया डॉन, खत्री डॉन। एक मिनट जरा। हेलो 15। अरे अरे भाई क्या कर रहे हैं, मरवाएंगे क्या आप? बस निकल गई सारी एकली तुम्हारी भाई, थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है। वैसे मैंने सुना है कि आप इलाके के सबसे मशहूर इंसान है। किससे सुना है, किससे सुना है? कोई एक हो तो बताऊं, ऐसे पुलिस और चोर दोनों में काफी मकबूल हैं आप। खैर से मैं एक ऑफर लेकर आया हूं आपके लिए। नहीं भाई नहीं, पिछली बार भी आए थे, दो शैम्पू का बोलकर हेयर जेल कहा था, साथ में देंगे 20 रुपए वाला साबुन पकड़ा के चले गए, बताओ। ऐसी ऑफर नहीं, फिर मैं आपके लिए भत्ता वसूली में पार्टनरशिप की ऑफर लाया हूँ। पागल हो गए हो क्या, वो दौर चला गया, आप किसी भी दुकान पे जाके भत्ते का बोलोगे तो फौरन पुलिस रेंजर्स को कॉल कर देंगे, 24 घंटे CPSC फ्रीज होगा और कुत्ते की मौत मारे जाएंगे सब लोग। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, कराची के सारे बदमाश यही कहते थे, इस मुल्क के अंदर अब एक ही डॉन है। कौन? जॉन। कौन जॉन? अरे तुम्हारा बाप है जॉन, जब भत्ता वसूली करते हुए पकड़े जाओगे सुपर हाईवे पे ले जाके गोली मार देंगे और लवारिस लाश बोल के दफना देंगे। बेटा अभी जिसे अंदर जान है, इज्जत से 4 पैसे कमा सकते हो, घर घर जाके सर बेचो बेटा, सर बेचो। इसे आप कह तो सही रहे, वही ना बात मेरा बच्चा, ये गिरबान के बटन बंद करो, वास्तव फिल्म देखने से और संजय दत्त के डायलॉग बोलने से कोई डॉन नहीं बन जाता। अच्छा मेहनत मजदूरी करो, अल्लाह बहुत इज्जत देगा तुम्हें।
ठीक है? शाबाश शाबाश, ख्याल रखो अपना। थैंक यू अशमत भाई, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। बेटा रो मत, संभालो अपने आप को बेटा, मेरा भी दिल पसीज रहा है बेटा, मत रो प्लीज। और इतनी ऊंचाई पे क्यों बैठे हो, क्या चील के बच्चे हो तुम? आओ तो यहाँ से, बेवकूफ कहेंगे खुद भी गिरेंगे हमें भी गिराएंगे। आओ यहाँ से, आओ यहाँ से, देख के उतरो, देख के पहले तुम उतरो। अरे यार ये सिग्नल क्यों नहीं आ रहे, साइड पे बैठा करो ना। शेरी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि जेल की हवा खा के दिमाग कुछ सेट हुआ है या अभी भी आउट है? मेरा दिमाग ना बिल्कुल ठीक है, तुम अपने ना सुल्तान के दिमाग का इलाज करवाओ। वैसे शेरी जेल में तुम्हें परेशानी तो बहुत हुई होगी ना? कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत आराम मिला, बहुत सुकून मिला, किसी ने मुझे तंग भी नहीं करा, 3 टाइम का खाना वक्त पे मिला, किसी ने मुझे बाहर भी नहीं भेजा कि जाओ बेटा एक बार दही लिया, आधा किलो टमाटर लिया, 10 रुपए का धनिया लिया, और तो और मेरे कैदी भी दोस्त बन गए। क्या तुमने कैदियों को दोस्त बना लिया? लेकिन वो तो मुजरिम होते। कोई नहीं मुजरिम होता, दोस्त सिर्फ दोस्त होता है। देखो शहरी मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ, वो लोग बहुत खतरनाक होते। कोई खतरनाक नहीं होता, दावत करूंगा ना तो बुलाऊंगा, देख लेना सबको। कोई जरूरत नहीं होगी यहाँ दावत करने की। हाँ डर रही हो ना तुम, और हाँ अपने सुल्तान को ना अब काबू में रखना, उससे बोल देना मुझसे अड़ने की कोई जरूरत नहीं, नहीं तो अपने कैदी दोस्तों से बोल के ना गेम बजवा दूंगा उसका। ओह शेरी तुम नहीं सुधरोगे। एक मिनट, क्या है ये वाईफाई के सिग्नल क्यों नहीं आ रहे? राउटर के ना अपने कमरे में लगा लिया, सबके सब पागल है यहाँ पर। हाँ तो खुद तो बहुत कोई। भाईजान अगर काम के हिसाब से डील डन हो गई ना तो आपकी सोच है आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे, ऐसी खोपड़ी है उनकी मास्टर माइंड। क्या हो गया मुझे, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? अरे मैंने नहीं, इन्होंने बुलाया है। ये कौन है? अरे पार्टी है। पागल हो गए, एक बंदे की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होती है? ये आपका इंतखाबी निशान मछली तो नहीं है? अरे अजमत भाई नोट वाली पार्टी है, मुबीन प्लाट नाम है इसका। जी जी मुबीन भाई फरमाइए। शब्दर मेरे पास 2000 कनाल का प्लाट है सुपर हाईवे पर। तो आप क्या मुझे उसमें महल बना के देना चाहते हैं? नहीं समझे नहीं आप, ये देखे ना सुपर हाईवे पर प्लाट है। ये तो नेशनल हाईवे। हाँ मजाक कर रहा था, ऐसे आपको चेक कर रहा था। ये जमीन हमारे कब्जे में है, यहाँ पर हम खाना बदोशों को बिठाएंगे और चौथा टाउन बनाएंगे। चौथा टाउन? हाँ तीसरा टाउन तो है ना। अरे भाई वो तीसरा टाउन है, किस जाहिर को लेकर आए हो? हाँ अरे अशमत भाई कर लो काम, 2-4 घर तो मिल ही जाएंगे इस बार। ये बच्चा बड़ा समझदार लग रहा है, एक एक प्लाट 1-1 करोड़ का बेचेगा। तो आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप हमारे कब्जे के काम की निगरानी करें और 50% के पार्टनर बन जाएं। अशमत भाई ने इतने पैसे देखे नहीं पागल हो गए? अबे चल, और तुम बड़े मियां 2000 कनाल जमीन के पीछे भाग रहे हो जबकि तुम्हें 2 गज जमीन की जरूरत किसी वक्त भी पड़ सकती है। क्या मतलब? मतलब ये कि पैर तुम्हारे कमर में है, लोगों की दुआएं लेने के बजाय दुआएं ले रहे हो तुम। अशमत भाई इस काम में बहुत पैसा है। अरे भाई पैसा कमर में लेके जाओगे क्या, कफन में जेब नहीं होती है? अरे कफन में जेब सिलवा लेगा, कौन सा एक्स्ट्रा पैसे लेगा दर्जी? आपकी कफन में जेब सिलवा देंगे और उसमें गुटखा भी रख देंगे। चूना तेज हो। अबे चल बड़े मियां तुम्हारी उम्र 65 साल है, पाकिस्तान की एवरेज एज के हिसाब से तुम्हारा ओवर टाइम चल रहा है, तुम्हें अल्लाह अल्लाह करनी चाहिए, अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। सोचो इस उम्र के अंदर लोग सबका इरादा करते हैं, अल्लाह के रास्ते पर निकलते, तुम किन चक्करों में पड़े हो? खुदा को मानो मेरे भाई, खुदा को मानो। आपने मेरी आंखें खोल दी अशमत भाई। तो फिर फौरन इसी बात पर टोपी पहनिए और अल्लाह के रास्ते पर निकल जाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या नूरानी चेहरा, फौरन फौरन हाईवे के बजाय जंगल निकलिएगा सीधा। जी वाह अशमत भाई, सर सलामत टोपियां बहुत, एक आधी टोपी मुझे भी दे दो। ये पता है कौन ये टोपियां करा रहा है, आओ मेरे साथ जरा। यार ये लो ये यहाँ बैठा हुआ है किरण के कमरे में और मैं इसे पूरे घर में ढूंढती फिर रही हूँ। ये ले डबल रोटी पे मक्खन लगा के लाई हूँ, खा ले मेरा बच्चा। अरे रुकैया खाला वो क्या चिकन सैंडविच वगैरह कुछ नहीं है क्या? क्या हो गया, ये भी सुल्तान से छुपा के लाई हूँ, खा जल्दी से नखरे निकल। अरे यार अच्छा मेरा मूड नहीं है अभी खाने को। अरे मेरा बच्चा खा ले थोड़ा सा, देख कितना कमजोर हो रहा है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जब राउटर अपने कमरे में लगा के रखोगी तो वाईफाई इधर ही आके यूज करूंगा ना। निकलो यहाँ से। अरे क्या हो गया, थोड़ी देर आराम करने दे, देख मेरी जेल से आए कितना थका हुआ लग रहा है मेरा बच्चा। रुकैया खाला आप इस जानवर की क्यों खिदमतें कर रही हैं? ये जेल से छूटकर आए हैं, कोई मेहनत मजदूरी करके नहीं आए। ओ हेलो तमीज से बात करो मुझसे, मैं कोई तुम्हारा ना फिरोज नहीं हूँ। मेरे कमरे में बैठ में तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से वरना मार मार के वो हालत करूंगी ना कि तुम्हारा भरता बन जाएगा। अच्छा अच्छा जा रहा हूँ, पागल क्यों हो रही हूँ? ये डोइया है, मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी किचन में, दाल गोटी तू ना रखी भी। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता मेरा बच्चा, जा रही हूँ। मैंने थोड़ी कहा शेरी से कि तू यहाँ बैठ, जा रही हूँ जा रही हूँ। हाँ भाई किसलिए बुलाया मुझे? अरे 10 का 30 करने के लिए बुलाया। क्या तुम
जादूगर हो, 10 का 30 कर सकते हो। अरे नहीं भाई, पार्किंग की पर्ची के लिए बुलाया। पार्किंग की पर्ची में 10 का 30 कैसे होगा? अरे 10 की पर्ची 30 की बेचेंगे? पागल हो गए हो तुम, इसके लिए जिगरा चाहिए होता है। लोग जोर से बोलेंगे तुम्हारी तो पैंट उतर जाएगी। गन है मेरे पास। अरे भाई गन से कुछ नहीं होता, लोग 30 रुपए देंगे साथ 4 गालियां भी देंगे। सोचो 1000 बाइक पार्क होंगी तो 4000 गालियां पड़ेंगी, और गाड़ी वालों की गालियां तो मैंने भी शामिल नहीं करी। ये बताओ तुम्हारी फैमिली में है कौन कौन? एक अम्मी, एक अब्बू और एक बहन। अरे तो बहन की शादी करना चाहते हो ना? हाँ तो हलाल पैसों से करोगे, हराम पैसों से करोगे? बेटा इसी पार्किंग के आगे अगर चिप्स का ठिया लगाओगे ना तो डेली का 5000 का गल्ला है, महीने के 1.5 लाख रुपए कमा सकते हो तुम। मेरा तो आपने जमीर जगा दिया। शाबाश मेरा बेटा, शाबाश, काम पे लग जाओ। तुम्हारी उम्र में जब हम थे ना, डेढ़ डेढ़ दो दो किलोमीटर चल के जाते थे। कहाँ जाते थे? अरे गर्ल्स कॉलेज दूर था ना। मजाक करो मजाक करो, आप काम पे निकलो फौरन फौरन। शाबाश मेरा बच्चा। हाँ कहाँ से रहेंगे लोग, देखता हूँ। तुम तीनों के तीनों नाकारा, एक हशमत को ट्रैप नहीं कर सके, और तुम अपने आप को डॉन कहते हो, हैं? जिम जाते हो, लेकिन क्या फायदा? अकल तो तुम्हारी मोटी की मोटी है। अशपत भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं, बत्ते का दौर गुजर गया। मेरी गर्लफ्रेंड है, कारोबार है, मैं पकड़ा गया तो कितनी बदनामी होगी मेरी। आपको तो कब्जा माफिया का तजर्बा है 40 साल का, फिर क्या हुआ? आपने तो मेरी नाक कटवा दी। वो बहुत बासर शख्स है, उसने तो मेरी आंखें ही खोल दी। पैसा वैसा कुछ नहीं, असल जिंदगी जंगल में ही है, कुदरत से करीब। और डेढ़ पसली, तू तो बड़ा चौड़ा के फिरता है, बड़ी गाड़ी लेके फिरता है, पार्किंग की वसूली क्या हुआ? अरे अश्वंत भाई ने मेरा दिमाग पलट दिया, अब मैं सोच रहा हूँ चिप्स का ठिया लगाऊं। देखो वो बोल रहा है मैं चिप्स का ठिया लगाऊं। गलती मेरी है, मेरी गलती है, मैंने तुम तीनों को हशमत के पास भेज दिया। लगता है मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आजी साहब, अब आप सिर्फ कैमरे को देख के हाथ हिला सकते हैं, प्लीज हिला दीजिए। अरे हशमत तुम यहाँ? हाँ, हुमायूं सईद को 1 साल में जितनी फिल्में ऑफर नहीं होती, मुझे 1 दिन में इतने क्राइम ऑफर हो गए। मैं उसी वक्त समझ गया था आईजी, इस खेल के पीछे तुम हो। ये सब बातें तेरे को कैसे पता लगती हैं? तुम क्या समझते हो सिर्फ पुलिस के पास मुखबर होते, मेरे भी मुखबर है पुलिस के अंदर। अब मैं बताऊंगा, मुजरिमों का नेटवर्क चलाते हो, मुजरिमों को ट्रेनिंग देते हो, और शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो। आईजी अब तुम्हारे पास असली आईजी की कॉल आने वाली है, इंतजार करना है। अरे पकड़ो उसको, पकड़ो, खुद ही पकड़ो। अरे मुझे तो पकड़ना है, मेरी नौकरी।